हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये जो आजकल हमारे हरे पत्ते की मेथी आती है ना, मेथी या फिर धनिया या कोई भी हरी सब्जी, तो इसमें सब्जी वाले क्या करते हैं कि इसमें पानी डालते रहते हैं या फिर बारिश होने के कारण हमारी ये सब्जियाँ भीग जाती हैं। तो अगर हम इन्हें ऐसे ही रखते हैं तो हमारी ये सब्जियाँ ख़राब होने लगती हैं और ये चिपक जाती हैं और गलकर ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें इस मेथी को सबसे पहले तो इसकी गड्ढी को खोल लेना है और हमें लेना है एक न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को हम बिछा करके उस पर अपनी मेथी को पतला पतला फैला देते हैं और इस तरीके से फैला दें और इसे 5-10 मिनट के बाद उलट पलट करती रहें, तो इसका जो पानी है ना, जो पेपर सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी मेथी बिल्कुल सूख जाएगी। और फिर हम इसे साफ़ करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और हमारी ये मेथी एक हफ्ते तक आराम से रखी रह सकती है और हम इसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप पेपर का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को बचा सकती हैं और इसी तरीके से, और इसे धूप में बिल्कुल भी ना सुखाएं, क्योंकि धूप में तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसे छाए में ही सुखाएं या हवा में सुखाएं। तो इस तरह से आप अपनी मेथी का पानी निकाल सकते हैं। और ये जो धनिया होता है ना, सेम इसके साथ भी हमें यही प्रोसेस करना है, क्योंकि ये भी ख़राब होने का डर बना रहता है। तो अब ये अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो हमारे डिस्पोजल डब्बे निकलते हैं जब हम कोई सब्जी वगैरह मंगाते हैं तो उसमें ये डब्बे अक्सर निकल आते हैं, तो हमें फेंकना इन्हें बिल्कुल भी नहीं है और इनका यूज़ लेना है। तो हमने इसे धोकर साफ़ कर लिया है और सुखा भी लिया है। तो अब जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उन्हें नाश्ता लगाते हैं और नाश्ता वो छोड़ देते हैं, तो इस तरह से इन डब्बों में आप अपने नाश्ते को रख सकते हैं। तो हमारे ये जो लड्डू बच गए थे हमने इसमें रख दिए हैं। तो इसलिए ये जो डब्बे होते हैं ये हमारे बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। अब ये अगला डब्बा है हमारा, तो ये जो थोड़ा बड़ा है और ये जो आप देख सकते हैं ये माइक्रोवेव सेफ है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। आप अपने माइक्रोवेव में इसमें खाना गर्म करने का काम कर सकते हैं और इसमें आप कुछ केक वगैरह भी बना सकते हैं। इसे छोटा सा केक बनाना होता है वो इसमें बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप ये डब्बे भी बिल्कुल ना फेंकें। दूसरी ट्रिक आती है, तो ये जो हमारी कढ़ाई है ये जल गई थी, तो हमने इसे बाकी तो साफ़ किया लेकिन यहाँ से ये रह गया, तो अब इसको हम कैसे छुड़ाएं। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा कोलगेट लगाएंगे, और कोलगेट जो होता है वो बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है, तो और कोलगेट से इसे साफ़ करके दिखाएंगे, ये बहुत ही अच्छा साफ़ करेगा। तो मैंने ये निप का जो जूना होता है वो ले लिया है, ये हम पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद इसके ऊपर से इसे अच्छे से हम रगड़ेंगे और इस तरह से मसल मसल कर हमारी कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो कोलगेट की सहायता से ये निशान जल्दी से हटने लगा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स में कितना कालापन निकल कर आया है। और तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। देखो अब हम इस कढ़ाई को धो लेते हैं, तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई है, तो देख सकते हैं आप कितनी चमकदार हो गई है। तो आप भी अपनी कढ़ाई को इस तरह, जब हमारा ऑयल ठंडा हो जाता है तो उसमें बच जाती है काफ़ी सारी गंदगी, जो हम खाना बनाते हैं उसी के कुछ टुकड़े इसमें रह जाते हैं और वो जल भी जाते हैं और कुछ बिना जले भी रह जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ऑयल को ऐसे ही भर के रख देते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है और ये जो हमारी चलनियाँ टूट जाती हैं ना चाय, तो इन चलनियों को बिल्कुल भी ना फेंकें और इनका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकती हैं। आप अपने ऑयल को छान कर रख सकती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम ऑयल को छानेंगे और ऑयल को हमें छानना ज़रूरी है, इसी तरीके से भरना बिल्कुल भी नहीं है, तो छान कर ही भरना है। तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी गंदगी ऊपर जमा हो जाती है, तो ये जो गंदगी होती है ना हमारे ऑयल में पड़ी रहती है और हमारे ऑयल को ख़राब करती रहती है, जो कि हमें बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो इस वजह से हमें अपना साफ़ सुथरा ऑयल ही करके रखना है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ऑयल निकला है। आप इसमें सब्जी छोंकें या फिर पराठे बनाएं तो इसमें बिल्कुल भी ना ही स्मेल आएगी और ना ही गंदगी आपके पराठे पर लगेगी और ना ही सब्जी में जाएगी। तो है ना कितनी, जो बोतल होती है ना छोटी छोटी बिस्लहरी की है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की है, तो इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो हमने एक कटोरा गैस पर रखकर इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है
और ये जो कटोरे होते हैं ना जिसमें कोई हैंडल नहीं होता है, तो उसे उतारने के लिए इस तरह के कैलिपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हम पकड़ भी कहते हैं। तो आप इसे कपड़े से ना उतारें, क्योंकि कपड़े से कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हाथ होता है ना वो बर्तन पर ही लग जाता है और हमारा हाथ जल जाता है। तेज गर्म कर लेते हैं और इसको हम सीधा बॉटल में नहीं डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। और अब हमने इसे लोटे में कर लिया है, तो अब हम इसे बॉटल में लोटे से डालेंगे, तो इससे हमें करने में आसानी होगी और हमारा हाथ भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से हमने ये बोतल को तैयार कर लिया है और इसे बहुत ही अच्छी सिकाई लगती है, क्योंकि आजकल खांसी हो रही है और ख़ास खास कर जो वीडियो बहुत ही काम आने वाली है, तो आप इसे ज़रूर से पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली टिप है हमारी चीकू को लेकर, जो ये फल होते हैं हमारे जो सीधे खाए जाते हैं, कभी कभी इनका छिलका भी नहीं उतारा जाता है, तो इनको हमें क्लीन करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो हमें जितने चीकू खाने हैं उतने ही हमें अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इन्हें गीला करके नहीं रखा जा सकता। और हमें ये देखना होता है कि जो सॉफ्ट चीकू होते हैं उन्हें हम पहले लेते हैं और जो थोड़े टाइट होते हैं उन्हें उठा कर रख देते हैं। तो हमने इसमें पानी अच्छी तरह से डाल दिया है, चीकू हमारे इसमें डिप हो गए हैं और इसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देते हैं, जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसे हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से धो लेते हैं। तो अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए इसी में डाल देते हैं।